आज के पुरस्कार मेदारों में कैटेगरी तो पहले कैटेगरी में है नॉन यूनिक कैटेगरी जिसमें श्री मुआमर AIR ऑफिस से पोएम रिसाइटेशन में उनको फर्स्ट पोजीशन AIR से अगर श्री मुआमर नहीं है तो उनके ऑफिस से बोले आके श्री सुब्रता भौमिक पीएजी ए से अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी श्री सुब्रता भौमिक पीएजी ए से उनको पोएम रिसाइटेशन में सेकंड पोजीशन फिल्मी सॉन्ग में कॉन्सोलेशन का पुरस्कार मिल रहा है सुब्रता भौमिक के ऑफिस से भी कोई आके अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती किम रोसुकी श्रीमती किम रोसुकी AIR से AIR उनको पोएम रिसाइटेशन में कॉन्सोलेशन फिल्मी सॉन्ग में थर्ड पोजीशन श्री के एच नंदा मिलित से उनको पोएम रिसाइटेशन में कॉन्सोलेशन फिल्मी सॉन्ग में थर्ड पोजीशन श्री तंजुन टीबा AIR उनको फिल्मी सॉन्ग में फर्स्ट पोजीशन अब मैं श्री उत्पल गोगोई ब्रांच मैनेजर SBI बाजार ब्रांच तो सर मैं आपसे निवेदन करूँ श्री सुब्रता बोस एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर SIG मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री बी सुलाई असम राइफल्स उनको सेकंड पोजीशन फिल्मी सॉन्ग श्री गोपाल धरवत DIG CRPF गोपाल धरवत DIG CRPF ऑफिस से उनको फर्स्ट पोजीशन फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कैटेगरी में श्री RK हिरोजीत सिंह निलित से उनको सेकंड फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कैटेगरी में एंड हिंदी राइटिंग में कॉन्सोलेशन श्री समरजीत सिंह AIR उनको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में कॉन्सोलेशन एंड हिंदी राइटिंग में सेकंड पोजीशन श्री मिंगहो लिंग होलाई NSSO से इनको फर्स्ट पोजीशन मिलता है हिंदी राइटिंग में कुमारी देवव्रति लाहौन PAGAME से इनको थर्ड पोजीशन मिलता है हिंदी राइटिंग में
क्वेश्चन सो मच सर. अब मैं दूसरा कैटेगरी जो कि हिंदी कैटेगरी है उसका पुरस्कार वितरण होगा, जिसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री बी नवास राव डिप्टी डायरेक्टर डीजीके, निवास राव डिप्टी डायरेक्टर डीजीके कोहिमा. हिंदी कैटेगरी में श्री रवि प्रताप यादव पीएनजी एएमई से, पोएम रिसाइटेशन में फर्स्ट प्राइज, श्री आशुतोष कुमार यादव डीआईजी सीआरपीएफ से, इनको पोएम रिसाइटेशन में सेकंड प्लेस एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में सेकंड प्लेस. श्री सुजीत कुमार पीएजी ऑडिट से, इनको पोजीशन रिसाइटेशन में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में फर्स्ट पोजीशन और हिंदी राइटिंग में फर्स्ट पोजीशन का पद मिल रहा है. श्री गौरव पीएजी ऑडिट से, इनको पोएम रिसाइटेशन में कॉन्सोलेशन प्राइज. श्री विनोद कुमार असम राइफल्स, इनको फिल्मी सॉन्ग में फर्स्ट पोजीशन का पुरस्कार मिल रहा है. श्री प्रेम कुमार छेत्री पीएजी एएमई से, इनको सेकंड पोजीशन फिल्मी सॉन्ग का पुरस्कार मिल रहा है. श्री पीएम खाके एआईआर, इनको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में थर्ड पोजीशन और हिंदी राइटिंग में कॉन्सोलेशन का पुरस्कार मिल रहा है. श्री सूरज कुमार डीआईजी सीआरपीएफ, इनको कॉन्सोलेशन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में मिल रहा है. श्री रोहिताश कुमार एसआईबी, इनको हिंदी राइटिंग में सेकंड पोजीशन का पुरस्कार मिल रहा है. और हिंदी कैटेगरी में आखिर में श्री अशोक कुमार पीएजी ऑडिट, इनको हिंदी राइटिंग में थर्ड पोजीशन का पुरस्कार मिल रहा है. Thank you so much, sir. सभी को अभिनंदन वंदन. अब नगर अध्यक्षता कार्य समिति कार्य सदस्य कार्यालय के 2021-22 के दौरान तिमाही प्रतियोगिता तिमाही प्रगति प्रतिवेदन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालय अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधियों को या प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं नरेका सचिव माननीय श्री विवेक कुमार भास्कर जी से निवेदन करूंगा वे अपने कर्तव्य से या प्रशस्ति पत्र प्रदान करें. सर्वप्रथम मुख्यालय असम राइफल उत्तरी नागालैंड कार्यालय को यह प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, कृपया मंच पर.
राष्ट्रीय संगठन संगठन नागालैंड कोहिमा राष्ट्रीय एनएसएस ऑफिस एनएसएस ऑफिस के प्रतिनिधि होते कि अगले प्रतिभागी कार्यालय हैं जनगणना पंचायत निदेशालय नागालैंड कोहिमा नमस्कार। आज जैसा कि यहाँ पे हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह था, हम लोग उपस्थित हुए थे। बात हो रही थी हिंदी को लेके, हिंदी की उपयोगिता क्या है। हिंदी की उपयोगिता खासतौर से जब हम नागालैंड में देखते हैं तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हमारे जो नागालैंड के लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वो अधिकतर लोगों को आप नागालैंड में जब आप कोहिमा में या नागालैंड के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो उनको आप टूटी फूटी हिंदी में ही बात करते पा सकते हैं। उनका अधिकतर लोग, चाहे गाड़ी वाला हो, टैक्सी वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे जो कोई भी हो, काम करने वाला ऑफिस का आदमी या रेस्टोरेंट रेस्तरा, कहीं भी आप जाइए, हर जगह कहीं आपको हिंदी, टूटी फूटी हिंदी ही सही, लेकिन लोग हिंदी में यहाँ पे बोलने की कोशिश करता है, बोलता है, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा हिंदी में जो है रेडियो, टीवी, गाने, और इनके द्वारा जो गाने इतने सुंदर, ये जो गाने खास तौर से बोलने को तो छोड़िए, जब ये गाना हिंदी में गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग इस सभा में उपस्थित थे और एक हमारे ऑल इंडिया रेडियो के मित्र जो है हिंदी में गाना प्रस्तुत, इतना बेहतरीन तरीके से किया उन्होंने जो है कि कहने लायक नहीं। तो और हिंदी का धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, खासतौर के पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी अपने एक जो उसकी स्थिति है, एक मजबूत स्थिति में हिंदी आज पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में पूरे विश्व में हिंदी एक भाषा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी, ऐसी हम लोगों की कल्पना है, मनसा है। और एक चीज़ है कि भाषाएं हिंदी लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है, या कोई भी भाषाएं लोगों को जोड़ती है, तोड़ती है। भाषाओं का यह संस्कृति ही नहीं है कि वह लोगों को तोड़े, भाषाएं हमें से जोड़ने की संस्कृति से ही लोगों के साथ जुड़ती हैं और
जब भाषाएं जुड़ती हैं तो लोग जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ते हैं तो लोगों की संस्कृति, उनके इतिहास, परंपराएं और उनके भाव विचार आपस में जुड़ते हैं, और हम पूरे देश के लोग तभी एक मंच पे आ पाएंगे जब हमारी भाषा, हमारी बात करने की जो शैली है, भाषा है, वह एक होगी, तो हमारे विचार एक हो, भले न हो, लेकिन हम जो है एक भाषा के माध्यम से लोगों के विचारों, अपने विचार लोगों को तो पहुंचा सकते हैं और लोगों के विचार सुन सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए भाषाएं, हिंदी जो जैसे कि चाइना की मंदारिन है, स्पेन की स्पेनिश है, फ्रेंच की, फ्रांस की फ्रेंच है, इसी तरह और ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी है, उसी तरह आने वाले समय में हिंदी भी पूरे विश्व का एक दिन प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। यह मौका मुझे उपलब्ध कराई है, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। नगर अध्यक्ष कार्यालय समिति नवकाश कोहिमा के आदरणीय अध्यक्ष किसी कारणवश आज हमारे बीच आए थे, फिर कुछ उनकी असुविधा के चलते चले गए हैं। फिर भी नरकास कोहिमा के माननीय सचिव श्री विवेक कुमार भास्कर सर, समारोह के आदरणीय विशिष्ट वक्ता नागालैंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री विजेश कुमार महोदय, नरकास कोहिमा के सदस्य कार्यालय के उपस्थित आदरणीय कार्याध्यक्षगण एवं प्रतिनिधिवर, केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्यारे प्यारे कलाकार बच्चों व शिक्षक वर्ग, पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागीगण एवं विजयी प्रतिभागियों, नरकास कोहिमा के तत्वधान में प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी वार्षिक पत्रिका नागांचल के विषय अंक के चयनित उत्कृष्ट रत्नाकारों, NHFCC के कलाकारों, मीडिया के प्रतिनिधि वर्ग, इस आयोजन को सफल बनाने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मित्रों, देवियों, सज्जनों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए, धैर्यता के साथ इतने लंबे समय तक आप लोगों ने इस कार्यक्रम को साथ दिया, कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे सचिव महोदय जैसे बोल रहे थे, गाना उनके जरिए हुआ था, हर घड़ी बदल रही है, समय परिवर्तनशील है, आने वाले दिन में हम इस तरह से एक साथ एक मंच में मुलाकात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह हम लोग हर साल इस मंच पर ऐसे ही हम लोग उपस्थित रहे और हिंदी की बढ़ावा को हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े। इतना कहते हुए अंत में मैं पुनः सभी से उनकी उपस्थिति हेतु तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, अभिनंदन वंदन, धन्यवाद। धन्यवाद सर। विविधता में ही एकता है, विविधता में ही खूबसूरती है, और एक समाज को भाषा एकजुट करके रखता है। तो हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।